हरे कृष्णा नाम। तो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा, अगर जहां भी कहीं आवाज अस्पष्ट हो रहा है या और किसी तरह समस्या आ रही है तो आप चैट में ये बता सकते हैं। आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि इस्कॉन का इतिहास और उसमें परम पूज्य राधानाथ महाराज का योगदान और फिर उसमें हम क्या भूमिका या सेवा कर सकते हैं उसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। तो पहला कि इस्कॉन का इतिहास, जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हम क्यों कर रहे हैं अगर वो समझ में आता है हमको तो फिर हम वो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके बारे में ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सम पीपल मेक थिंग्स हैपन, सम पीपल वॉच थिंग्स हैपन एंड सम पीपल वंडर व्हाट हैपेंड। क्या है कि कुछ लोग काम कर मेक थिंग्स हैपन, वो ऐसे होता है कि वो कुछ चीजें कराते हैं, करवाते हैं, करते हैं। कुछ चीज लोग ऐसे होते हैं करना चाहते हैं कुछ, पर एक करना चाहते हैं और 10 गलतियां हो जाती है उसमें। तो पहला जो है सत्वगुण है, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। जब लोग क्या हुआ उनको कुछ पता ही नहीं है, वो अपने ही दिमाग में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही दिमाग की दुनिया में खोए हुए होते हैं। तो अगर हम समझेंगे कि इस्कॉन का इतिहास क्या है, भक्ति के और भारत के और धर्म के इतिहास में अभी हम सब किस तरह से सहभागी है और उसमें उससे हमारा कैसे कल्याण होता है और हम कैसे दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम सत्वगुण में आके फिर शुद्ध सत्व की ओर भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इसकी शुरुआत बहुत ही अद्वितीय, अनयूजुअल, अनपैरेलल्ड परिस्थितियों में हुई। प्रभुपाद जी कई सालों तक भारत में प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, 1922 से वो प्रयास करे थोड़ा बहुत, 1940 से और भरसक प्रयास करने लग गए वो, पर 1965 तक उनको ज्यादा कोई यश नहीं मिला लोगों को भक्ति के लिए प्रवृत्त करने के लिए। गंभीरता से उन्होंने ग्रंथ लिखे, उनका भागवतम जो है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन, उन सब ने जो है उसका उसकी सराहना की। तो उस तरह से एक लेखक के रूप में उनको यश मिला, पर एक प्रचारक के रूप में उनको इतना यश नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए और जब अमेरिका में गए तो वहां पे एक ऐसा ऐसे अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी ऐसा फेज, एक ऐसा समय चल रहा था कि वो बहुत ही अमेरिका के इतिहास में अद्वितीय था। वो तो काउंटर कल्चर कहते हैं। क्या हुआ था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में अमेरिका बहुत यशस्वी बन गया, बहुत धनवान बन गया, क्योंकि क्या है, अमेरिका एक चारों ओर वो है, चारों ओर नहीं पर दो ओर वो सागर से आवृत है और उसके ऊपर और नीचे जो देश है कनाडा और मेक्सिको वो उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए अमेरिका काफी सुरक्षित था। यूरोप में बड़ा विध्वंस हो गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया और उसके कारण उसके बाद में उस समय जो युवक जन्म हुए 1940 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो जन्म से ही फ्लावर जनरेशन कहा करते थे। वो बचपन से ही उनके जीवन में जैसे फूल थे, मतलब बहुत बहुत प्रॉस्परस थे वो, बहुत समृद्ध थे वो। और उसका परिणाम क्या हुआ, उनको लगा कि समृद्धि में कोई संतुष्टि नहीं है, जीवन में कुछ और चाहिए हमें, और इसीलिए वो आध्यात्म की खोज करने लग गए। और कई भारत से आध्यात्मिक नेता पाश्चात्य में जा चुके थे, उन्होंने भारतीय आध्यात्म के बारे में कौतूहल निर्माण किया था। केवल भारतीय आत्मा, भारतीय आध्यात्म नहीं पर पूर्व का आध्यात्म, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिज्म भी था उसमें जो टिबेट से आता है आजकल के समय में। आगम उसका भारत में ही हुआ है, पर जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने पहली बार भारतीय आध्यात्म में भक्ति आध्यात्म का
उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया और वो इतना यशस्वी हुआ कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों की मात्रा में लोग भक्त बन गए। पर ये जो लोग थे जब वो भक्त बने तो वो क्या था, ये इन लोगों ने, क्योंकि जो जो वो हिप्पी लोग थे, अधिकांश लोग हिप्पी थे तभी, उन्होंने जो संस्कृति थी उस समय उसको ठुकरा दिया था कि इसमें कुछ है नहीं, ये आप एक नौकरी करो, आप कुछ पैसा कमाओ, आप फिर अपना घर बसाओ, फिर आप ये आप बड़ा घर लाओ, तो ये सब जो है इसमें क्या रखा है, उनको लगता था कुछ और चाहिए हमको। और हम देखते हैं कि ऐसे लोग जब भक्ति में आए तो उन्होंने पहले सब कुछ छोड़ दिया था। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि आप सब हिप्पियों ने पहले से सर्वधर्मान परित्यज कर दिया है, पर अभी मुझे, मैं तुमको आपको सिखाऊंगा कि माम एकम शरणम व्रज कैसे करना है। सब धर्मों का त्याग तो कर दिया है पर उसके बाद क्या करना है। तो जब अमेरिका में लोगों को भक्त बनना था, भक्त बनने का मतलब क्या है कि उन्होंने पहले ही घर अपना छोड़ दिया है, तो मंदिर में आके रह लो और मंदिर में भक्ति करो आप। और यही साधारण भाव था तभी कि एक भक्त बनने का मतलब परिभाषा क्या थी कि आप घर में आओ, आप मंदिर में ज्वाइन कर लो। और उस समय ऐसे था कि अगर आप मंदिर में नहीं आते हैं तो फिर आप मंदिर छोड़ के अगर आप बाहर जाके भक्ति कर रहे हैं तो मतलब आप ब्लूप हो गए। ब्लूप मतलब ब्लूप ये शब्द था, उसका मतलब था कि आप भक्ति से आपका पतन हो गया है। तो अभी इस परिभाषा की जो भक्ति थी उसके साथ फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि अगर पाश्चात्य देशों के भक्तों को भारत में लेके आएंगे तो उसे भारतीय लोग भी प्रवृत्त हो जाएंगे। तो भारतीय लोग जरूर प्रवृत्त हो गए, पर जो जो प्रेरणा थी अधिकांश भारतवासियों की उस समय जो प्रेरणा थी वो आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं थी, वो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रेरणा थी। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मतलब क्या कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि देखो ये परदेशी लोग भी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय यद्यपि काफी काफी प्रभावशाली लोग, प्रभुपाद जी से संबंध उन्होंने जोड़ा, प्रभुपाद जी से वो आकर्षित हुए, पर प्रभुपाद जी के समय ज्यादा लोग भारत में प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं बने, के समर्पित भक्त नहीं बने। फिर भी प्रभुपाद जी ने उन सबको एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया और अनेक लोगों को लाइफ मेंबर बनाया उन्होंने। उस समय जो लाइफ मेंबरशिप थी इस्कॉन की वो इतनी प्रेस्टिजियस थी, इतने आदर की बात थी कि मैं एक मित्र बता दें कि उनके पिताजी लाइफ मेंबर थे और वो अपने इस्कॉन के लाइफ मेंबर थे और उनके जो कई लोग बड़े अफसर होते हैं तो उनके ऑफिस के बाहर वो न केवल अपना नाम लिखते, अपने क्वालिफिकेशन प्लेट लिखते हो, मैंने यहाँ पे ये किया है, यहाँ से किया है, FCMA किया है, ये किया है, वो किया है। अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होता है वो अक्षरों का अर्थ क्या है, पर अरे इतने सारे अक्षर है, मतलब बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ये, लोग सोचते हैं ऐसे। तो वो कह रहे थे, ये मित्र कह रहे थे कि उनके पिताजी ने उनके ऑफिशियल नेम प्लेट पे लिखा था इस्कॉन लाइफ मेंबर। तो उस समय क्योंकि इस्कॉन परदेशी लोगों को भक्त बना के ला रहे थे तो इस्कॉन का मेंबर बनाना बड़ा अब बहुत ही प्रेस्टीज का बात था। और प्रभुपाद जी ने वह जो आदर की प्रेस्टीज की बात है उसको इस्तेमाल करके बहुत से भारतवासियों को प्रवृत्त किया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वो सपोर्ट करे, को मदद करे अलग अलग पद्धति से। और उस तरह से प्रभुपाद जी ने कई मंदिर बनाए यहाँ पे भारत में। अभी उसके बाद जब प्रभुपाद जी फिर ये जगत छोड़ के चले गए तो उस समय क्या हुआ था, लगभग कृष्ण भक्ति के दो एकदम विभिन्न स्तर थे। इस्कॉन में जो थे जो पाश्चात्य भक्त थे वो क्या थे, वो पूरे तो समर्पित थे, भक्त बनना मतलब क्या है मंदिर में आ जाना, और जो लाइफ मेंबर जो थे वो क्या है, वो कुछ शायद अपने संस्कृति के अनुसार वो नियमों का पालन करते थे, कुछ सब नियमों का पालन नहीं करते थे, वो कोई गंभीरता से सोलह माला जप वगैरह नहीं करते थे। तो एक तरह से उनका जो वो प्रभुपाद जी के समर्थक थे पर उनका दर्जा बहुत नीचे था। तो दो दर्जे थे भक्ति के प्रैक्टिस के, एक है कि आप मंदिर में आके फुल टाइम मेंबर बन जाओ और दूसरा है तो उस समय गृहस्थ भी फुल टाइम मेंबर बन जाते थे कुछ कुछ, और दूसरा था कि आप लाइफ मेंबर बन जाओ। पर क्या हुआ, उस समय ज्यादा लोग पहले स्तर पे नहीं आए, बहुत से लोग लाइफ मेंबर बन गए पर बहुत लोग पहले स्तर पे नहीं आए। और जब प्रभुपाद जी यहाँ पे थे
उस समय अधिकांश इस्कॉन के मेंबर अमेरिकन थे। इनफैक्ट वास्तव में कई बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका के मंदिरों में जाते थे, ऑस्ट्रेलिया के मंदिर में जाते थे, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां पे एक भक्त मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि जब प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया मंदिर को, हर मंदिर में जाते थे, कि मैं आपके मंदिर में आऊंगा यदि आप मुझे 5 भक्त दोगे मेरे वृंदावन मंदिर के लिए। तो भारतवासी वहां पे मंदिर में सेवा करने के सहभागी नहीं थे, मंदिर में आके सेवा करना है। तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं मंदिर में आऊंगा, आप मुझे 5 भक्त दो, इस तरह से 5 नहीं, कभी ज्यादा कभी कम जो भी है, पर वो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों से भक्तों को लाके भारत के मंदिर चला रहे थे। एक आई थिंक 1975 में एक लेक्चर था प्रभुपाद जी का, थोड़ा उससे पहले हो सकता है, 73-74 में भी हो सकता है, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है भारत से है, पर इसमें मैं अकेला भारतीय हूँ, मैं अकेला भारतीय हूँ, प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो ये ऐसी परिस्थिति जब प्रभुपाद जी भारत में थे, जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे, अभी ऐसी थी। अभी हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है उसमें सबसे अधिक जो भक्त है वो भारत से ही है, और उसके बाद में द्वितीय जो भक्त है वो रशिया से है। अभी हम रशिया एक चीज कहते हैं, पर रशिया में यूक्रेन वगैरह भी है, तो वहां से भी काफी भक्त है। और जो अमेरिका से भक्त है वह काफी कम हो गए हैं यहाँ से, इसके कई ऐतिहासिक कारण है, पर ये जो है पार्श्वभूमि मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम समझे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जो है वो किस तरह से प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सेवा की है, किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं। तो जब अभी महाराज जो है लगभग 1900 प्रभुपाद जी 1977 में वो भारत वो इस विश्व को छोड़ चले गए, और फिर महाराज 1980s से वो आने लग गए, और फिर 1987-88-89 से वो काफी समय तक यहाँ पे रहने लग गए, और 1987 से लगभग रहने लग गए यहाँ पे। तो तभी मैं जब भी कुछ समय पहले महाराज को शिकागो में मिला था, शिकागो में महाराज रहते हैं काफी समय तक, जब भी उनको ट्रैवल करके प्रचार करके वो थक जाते हैं थोड़ा, वहाँ पे विश्राम करते हैं, वहाँ पे अपने ग्रंथ लिखते हैं, वहाँ पे भक्त आते हैं उनसे मिलते हैं वो। तो तभी वे महाराज बता रहे थे कि महाराज के जो वहाँ पे जो शिष्य है वे बता रहे थे मुझे कि प्रभुपाद तभी महाराज जो है वो बता रहे थे वो कैसे उन्होंने भारत में प्रचार चालू किया। महाराज ऑफकोर्स पहले भारत में आए थे, आप में से बहुत से भक्तों ने जर्नी होम पढ़ा होगा, आपको पता है कैसे महाराज भगवान की खोज में आए थे। पर जब महाराज यहाँ पे प्रचारक के रूप में आए थे उसके पहले वो अमेरिका में पुजारी थे, और उसके बाद में वो यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, वे अलग अलग विद्यार्थियों में जाके वे अलग अलग विद्यापीठों में जाके वहाँ पे प्रचार करते थे। तो उनका एक वैन है, वैन था, अभी भी जो वो वैन है वो एक भक्त के घर में है टेक्सस में, डैलस में, कि उसी वैन में महाराज रहा करते थे, वो उसी में ड्राइव करते थे, उसी में वो कुकिंग करते थे, उसी में उनके ड्यूटीज हुआ करते थे। तो महाराज बोलते थे कि कई सालों तक वो वैन ही उनका घर था, उसमें ही रहा करते थे वो। तो महाराज इस तरह से वहाँ पे कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे, और जब वो भारत में आए तो फिर क्या हुआ, महाराज ने धीरे धीरे यहाँ पे न केवल प्रचार किया पर कम्युनिटी बिल्डिंग किया है। तो अभी हम देखते हैं कि भारत में जो प्रचार हुआ है, भारत लीडिंग है इस कृष्ण भक्तों के रूप में, इस्कॉन के भक्तों के रूप में। ये हम देखते हैं कि बंगाल में प्रधान रूप से, पर अलग जगह पे बंगाल में जयपताका महाराज है, दिल्ली में गोपाल कृष्ण महाराज है, और मुंबई और महाराष्ट्र में राधानाथ महाराज है, इसके अलावा कई और सन्यासी है, पर इन तीन गुरुओं ने काफी प्रचार करके बहुत से लोग कृष्ण भावनाओं के आकर्षित किया है। तो अभी जब महाराज मुंबई में आए तो मैं बता था कि दो स्तर कृष्ण के भक्त, कृष्ण भक्ति के थे, एक है कि मंदिर में आके आप ब्रह्मचारी बन जाओ, और दूसरा है कि आप लाइफ मेंबर बनो। अभी लाइफ मेंबर जो थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो लाइफ मेंबर धीरे धीरे मंदिर में आए, रहे कुछ समय, मॉर्निंग सुबह का कार्यक्रम देखे, और उससे धीरे धीरे वो गंभीर बन जाए, पर बहुत से काम लाइफ मेंबर है वो वहां से आगे बढ़े। और जब प्रभुपाद जब
कृष्ण भावना का भी प्रचार हो रहा है, तो अधिकांश कृष्ण भावना के जो सदस्य है वो यहाँ पे भी नहीं है, लाइफ मेंबर्स नहीं है, और जो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी नहीं है, है काफी ब्रह्मचारी है एक्चुअली। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो मैं बता रहा था कि एक भक्त को बता रहा था कि मैं मुंबई से आता हूँ, उसके पहले मैं पुणे में था, तो लगभग इन दोनों मंदिरों में 150 ब्रह्मचारी हैं। तो वो भक्त हंसने लगा, बोला कि पूरे अमेरिका में 150 ब्रह्मचारी नहीं है, पूरे अमेरिका और यूरोप में मिला के 150 ब्रह्मचारी नहीं है। तो अधिकांश जो है अभी जो मंदिर में रहने वाले भक्त है वो बहुत कम हो गए हैं, तो लाइफ मेंबर्स नहीं है, मंदिर में रहने वाले भक्त नहीं है, तो अधिकांश जो भक्त है हमारे वो इन दोनों के बीच में है, वो क्या है, कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज। तो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी मतलब क्या है, उनका अपना परिवार है, उनका अपना आपका करियर है, उनकी अपनी सोशल लाइफ है, पर उसके साथ साथ वो गंभीर भक्त है। जैसे लाइफ मेंबर्स थे वो क्या है, कुछ डोनेशन दे दो, प्रभुपाद जी की बुक्स ले लो, कभी तो भी मंदिर में आके रहो, ऐसे नहीं था वो। तो ये जो है काफी समर्पित भक्त है। तो जो इस तरह से भक्त है जो जो मंदिर में भी नहीं है पर लाइफ मेंबर्स भी नहीं है, तो उनका पोषण कैसे करना है, उनको भक्ति में बढ़ने के लिए कैसे सुविधा देनी है, इसका जो पायनियरिंग है, इसमें जो प्रधान जो इनिशिएटिव है, प्रधान योगदान है, प्रधान प्रयास जो है वो राधानाथ महाराज ने किया है। वो क्या है कि किस तरह से जो भक्त, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर, अब जहां पे रहते हो वहीं पे रहो, पर वहां से रह के आप भक्ति करो, तो उसकी सुविधा महाराज ने निर्मित की। और ये किस तरह से निर्मित की, अभी कई जो चीजें है जो अभी बिल्कुल स्वाभाविक है, हम देखते हैं कि हर मंदिर में आ गए तो हम अपेक्षा करते हैं, पर ये अगर हम, हमारे पास एक टाइम मशीन होता और हम अगर 40 साल पहले इस्कॉन में आते थे 1980 में 1985 में, तो ये कोई भी चीजें नहीं थी तभी। क्या नहीं था, अभी कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स जो होते, मतलब क्या है, मंदिर से प्रचारक जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं और किसी कुछ भक्तों के घर में कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम इस्कॉन में थे ही नहीं, क्योंकि उस समय अधिकांश लोगों की परिभाषा थी कि प्रचार करना है, मतलब क्या है, प्रचार का यश है कि आप मंदिर में आके मंदिर में भक्त बन जाओ। और जो लाइफ मेंबर थे वो इतने गंभीर तो नहीं थे कि वो हर हफ्ते उनके घर में आकर कार्यक्रम करे, शायद साल में एक बार उनके घर में जाओ, उनका कुछ उनका कोई जन्मदिन हो या कुछ त्योहार हो उनके घर में, उत्सव हो, तो फिर जाता जाया करते थे। तो ये पूरा जो भक्त जहां भी रह रहे हैं उनको कैसे नरिश करना है, उनको कैसे पोषण करना है, उनको कैसे मदद करना है बढ़ने के लिए, यह महाराज ने इसके लिए कई सुविधाएं निर्मित की। सबसे पहले है कि काउंसलर सिस्टम जो है, कि भक्तों को जो मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ भक्त चाहिए, तो ये वरिष्ठ भक्तों को जो प्रेरणा देनी थी, जो प्रशिक्षण और प्रेरणा देनी थी, महाराज मुझे बता रहे थे कि कई बार अभी क्या है कि कई भक्तों की ऐसी इच्छा है कि महाराज ने ये किताब लिखा है जर्नी होम, जो कि कैसे वो भक्ति, कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना गुरु स्वीकार करके भक्ति का मार्ग अनुशीलित किया, उसके बाद उन्होंने जर्नी विद इन किताब लिखा है, पर जर्नी विद इन जो है वो भक्ति के तत्व ज्ञान के बारे में है। तो महाराज के उसके बाद में जैसे उन्होंने कृष्ण भावना में इस्कॉन में आने के बाद किस तरह से सेवा की है, क्या क्या किया है, और कैसे राधा गोपीनाथ का जो मंदिर है, ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद में वहां से प्रचार हुआ है, इसका इतिहास कोई लिखे, तो इसको इतिहास कैसे लिखा जाए, तो इसके बारे में अगर लिखना है तो इसके बारे में महाराज से मैं चर्चा कर रहा था, अलग अलग भक्तों से चर्चा कर रहा था, तो तभी महाराज ने बता रहे थे कि जो काउंसलर सिस्टम, कई साल वो स्वयं वो बताते थे कि वरिष्ठ भक्तों के आप ऐसे करो को बता, मार्गदर्शन प्रेरणा दिया करते थे, पर बाद में अमेरिका में जाते थे महाराज, अब वापस आ जाता था तो फिर कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने की कोई जरूरत ही किसी को नहीं लगती थी, क्या जरूरत है, जो आएगा भक्ति करेगा। पर व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आते हैं कि वास्तव में कि भक्तों के समाज में एक तरह से मैत्री हो, एक संगठन हो, तो प्रभुपाद जी जो है वास्तव में उन्होंने कैसे प्रचार किया, कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार किया,
इसका वर्णन लीलामृत में आता है, कई अलग प्रभा जी के ग्रंथों में आता है, पर अगर हम उसको किस तरह से वास्तव में उन्होंने किया ये देखना है तो क्या है, हम कह सकते हैं तीन चीजें हैं, लव, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट, कि भक्तों के प्रति स्नेह करना, फिर उन पर विश्वास करना कि आप ये सेवा कर सकते हैं, और उसके बाद में वो सेवा करने के लिए सुविधा देना, तो एम्पावरमेंट। तो वही महाराज ने किया कि महाराज बहुत वरिष्ठ भक्तों से थे, उनसे मिलते थे, जो जो पहले पहले से भक्त आए थे उनसे मिलते थे, उनको बहुत स्नेह से आदान प्रदान हुआ करता था। एक वरिष्ठ भक्त बताते मुझे कि वो पहली बार जब कार्यक्रम गए थे, सत्संग कार्यक्रम को, उस समय ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, 20-25 लोग हुआ करते थे, तो उसके बाद में जो भी गृहस्थ थे सब महाराज से मिलने आते थे, और महाराज सभी जो प्रभु जी थे उनको आलिंगन करते थे। तो ये कपल जो था, अभी वो वरिष्ठ काउंसलर है वहां पे काला गोपाल मंदिर में, वो जब आए तो वो पहली बार आए थे, उनको ज्यादा से ज्यादा कुछ सन्यासी से कैसे बातचीत करना है पता नहीं था, तो फिर वो प्रभु जी सामने आए, महाराज उनको आलिंगन किया, फिर वो माता जी भी सामने आ गई, तो महाराज हंसे और उन्हें हाथ आगे हाथ जोड़ा और कहा कि माता जी मैं इतना प्रगतिशील नहीं हूँ, तो मैं इतना प्रगतिशील नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि तभी महाराज बहुत करीब से सबसे बातचीत किया करते थे, तो लव और फिर ट्रस्ट। तो हमें भी अगर प्रचार करना है तो न केवल प्रचार करना है पर किसी को भी को पोषण देना है तो क्या है, ये तीन चीजें है, लव, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट, कि हम विश्वास करते हैं किसी पे कि हाँ आप ये सेवा कर सकते हो, आप ये प्रचार कर सकते हो, आप ये काउंसलिंग कर सकते हो, और फिर सिर्फ आप कर सकते हो बोलने से पर्याप्त नहीं है, फिर एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब वो शक्ति देना, शक्ति मतलब कोई ऐसे ये कोई जादू नहीं क्योंकि आपके सर पे हाथ रख दे और फिर उसको आपको कुछ जादू ही शक्ति आ जाए, नहीं, एम्पावरमेंट मतलब भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, वो एक प्रकार का एम्पावरमेंट है, पर उसके साथ ट्रेनिंग होता है, तो काउंसलिंग कैसे करना है, मार्गदर्शन कैसे देना है। तो महाराज खुद अपने उदाहरण से बताते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, इससे भक्तों को एक कम्युनिटी, एक समुदाय का अनुभव होने लग गया, और इस तरह से जो है कम्युनिटी बढ़ने लग गई, और लव, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट। और फिर महाराज ने बहुत से अलग 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 प्रकल्प किए, जैसे कि भक्तिनाथ हॉस्पिटल है, क्या है कि कई चीजें थी इसके लिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हॉस्पिटल नहीं चालू किए थे, आपको क्या क्यों चालू करने की जरूरत है, तो वास्तव में प्रभुपाद जी कृष्ण भावना हम चालू करने के बाद 11 साल ही थे हमारे साथ, अगर प्रभुपाद जी 20-25 साल थे और बहुत कुछ करते थे वो, अभी बहुत से डॉक्टर लोग भक्त बन गए, और फिर पहले तो वो मंदिर में ही रह रहे थे, पहले के जो नेता थे बोले आप डॉक्टर हो कुछ भी हो आप मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाओ, पर बाद में वो संभव प्रैक्टिकल नहीं था, तो फिर ये सारे डॉक्टर थे उन सब में मिशनरी का भाव भी था, उनको सेवा भी करनी थी, पर साथ साथ उनको अपने जो मेडिकल स्किल था उसका भी इस्तेमाल करना था, तो महाराज बोले कि आप सब साथ में आके एक हॉस्पिटल बनाओ। तो इसका भाव क्या है, ये वर्णाश्रम का भाव है, कि वर्णाश्रम मतलब समाज को चार जातियों में या चार वर्णों में भेद करना, यही नहीं है, वर्णाश्रम का मूल भाव यह है कि टू मेक अवर मटीरियल ऑक्यूपेशन हार्मोनाइज विथ अवर स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, कि हमारा जो भौतिक नौकरी, भौतिक जीवन जो है, भौतिक नौकरी जो है, भौतिक पेशा जो है, जो भी है वो, उसको कैसे हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ समन्वय में ला सके, हम के साथ उसका संगम कर सके। तो जो तो डॉक्टर को, डॉक्टर जो है तो उनको मेडिसिन तो करना ही है, पर अगर वो सब दूसरे भक्तों के साथ आके अस्पताल बना रहे हैं तो क्या है, एक आध्यात्मिक वातावरण रख सकते हैं वो, और उसमें न केवल उनके वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं पर आध्यात्मिक भी प्रगति कर रहे हैं। तो अभी जो हॉस्पिटल है ये एक पूरे विश्व में मिसाल बन गया है कि किस तरह, न केवल इस्कॉन के विश्व में पर बाहर के विश्व में भी स्पिरिचुअल केयर कैसे हम ले सकते हैं, रख सकते हैं, और उससे कैसे भक्तों की, कैसे न केवल भक्त सेवा कर सकते हैं पर दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के भक्तों के साथ कुछ ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो इन्होंने कई ऐसे मेडिकल जर्नल में पेपर छापे हैं कि जो भक्त स्पिरिचुअल केयर लेते हैं और जो भक्त स्पिरिचुअल केयर नहीं लेते हैं,
तो कोई बीमार है, स्पिरिचुअल केयर लेना मतलब क्या, कोई भक्त आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको कुछ सांत्वना देते हैं, कुछ भगवीता आध्यात्म क्या कुछ बताते हैं, जप करने के लिए प्रेरणा करते हैं देते हैं, और उनको आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पे कुछ सशक्ति देते हैं। तो कुछ भक्त उसको स्वीकार, कुछ लोग रुग्ण होते हैं वो स्वीकार करते हैं उसको, कुछ उसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने तुलना की किस तरह से कौन से लोग और भक्त कौन से जो लोग हैं तुरंत और आसानी से और या और तेजी से रिकवर होते ठीक बन जाते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक केयर स्वीकार करते हैं उनके उनकी बीमारी से ठीक होने की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा होती है, और शायद ही कोई 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 रुग्ण हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है उसके बाद जाता है तो सिर्फ वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने वापस नहीं जाता है नॉर्मली बीमार होने की जगह, पर वही जो भक्त हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कई बार वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में सत्संग कार्यक्रम होते हैं। तो क्या है कि जो लोग मंदिरों में कभी नहीं आया करते थे और ना कभी आते थे वो, क्योंकि वो भौतिकवादी है, नास्तिक है, अधर्म के बारे में उनको कुछ ऐसी धारणा है, उनको लगता है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को तब भी पहुंचने के लिए ये जरूरी था। और ये एक ऐसे ये ऐसा प्रकल्प है जिससे कि न केवल भक्तों की सेवा हो रही है पर भक्त साथ में सेवा कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ नए लोगों को भी भक्ति एक नॉन प्रीची पद्धति से जो लेक्चर सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं उनको भी लेने का मौका मिल रहा है। तो ये कहने का पॉइंट ये है कि ओवरऑल ऐसे कई प्रकल्प है पर महत्वपूर्ण ये है कि जो ये दो बीच में था कि आप मंदिर में आके ब्रह्मचारी बन जाओ या मंदिर में आके फुल टाइम रहो या फिर आप लाइफ मेंबर बनो, उसके बीच में जो है कि आप गृहस्थ है, आपका परिवार है, उसके साथ साथ आप भक्ति करो, ये ऐसा प्रभुपाद जी के समय लगभग था ही नहीं। तो जो अभी मेन स्ट्रीम है, अभी इस्कॉन में जो प्रधान है, तो ऐसे भक्तों को किस तरह से हमें नरिश करना है, किस तरह से उनका पोषण करना है, किस तरह से उनकी उनको न केवल आध्यात्मिक प्रगति में मदद करना है पर उनको सर्वांग मदद करना है ताकि वे भक्ति करने में प्रेरित रहे। तो हम देखते हैं कि इसमें राधानाथ महाराज का योगदान बहुत प्रधान रहा है टू मेक इस्कॉन इनटू फ्रॉम अ मिशनरी मूवमेंट टू अ कम्युनिटी। ऐसे नहीं कि अभी हम मिशनरी नहीं है, पर मिशनरी मतलब क्या है, हमको दूसरों को जाके प्रचार करना है। कम्युनिटी मतलब क्या है, एक समुदाय है उसमें हम सब का अपना अपना एक स्नेह का अपनेपन का भाव है और उसमें एक बॉन्डिंग है, उसमें एक तरह का एक स्नेह का बंधन है वहां पे। तो यह जो है प्रधान रूप से महाराज ने किया है। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, इसी तुलना नहीं कर रहे कि और सन्यासियों ने है और गुरु ने बहुत सी सेवा की है और उन सबकी हम सराहना करते हैं, हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि किस तरह से राधानाथ महाराज ने क्या सेवा की है। तो यही कम्युनिटी डेवलपमेंट है, यह बहुत बड़ा विषय है, पर इसके साथ साथ मैं दो और चीजें जो है प्रधान बोलूंगा, जिसमें अभी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये मैंने अधिकांश रूप से सुना है इसके बारे में और कुछ हद तक देखा है। मैं कांग्रेगेशन काउंसलर नहीं हूँ इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड नहीं पता है, बस सुन के मैं समझा हूँ, पर जो बाकी दूसरे दो चीजें है उसका मुझे और व्यावहारिक अनुभव है क्योंकि मैं उसमें काफी इन्वॉल्व रहा हूँ। दूसरा है कि जो ब्रह्मचारी है इस्कॉन में, जब पहले कोई आता था जो मंदिर में ज्वाइन करता था तो क्या था कि आप जो भी हो ठीक है, आप ऐसा था कि एक तरह से कि जो ब्रह्मचारी आए गए, ब्रह्मचारीज वर लाइक फ्री लेबर फोर्स फॉर द टेम्पल। ब्रह्मचारियों को ऐसे इस्तेमाल करते थे कि वो मंदिर के लिए निशुल्क कर्मचारी है। तो अभी हाँ सेवा भाव तो है, सब सेवा करना चाहते हैं, पर उससे क्या हुआ कि कई बुद्धिमान और टैलेंटेड जो प्रतिभापूर्ण जो भक्त थे उनको लगा कि अगर मैं मंदिर में रहूंगा तो मुझे मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या करने वाला हूं आगे। अभी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं पर जब मैं 40-50 का हो जाऊंगा मेरा शरीर किताबों को उठा नहीं पाएगा तब तो मैं क्या करूंगा। तो क्या हुआ कि बहुत से भक्त जो अलग अलग प्रकार से सेवा करने जाते थे, जिनमें बहुत सी प्रतिभा थी, उनको लगा कि हम मंदिर में रहेंगे तो हम कुछ सेवा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुत से लोग मंदिर में आके ज्वाइन करते थे पर छोड़ के चले जाते थे।
पर महाराज जी थे, पहले थे, उन्होंने बताया कि जो मंदिर के ब्रह्मचारी है उनको सबसे पहले क्या बनना है, एक प्रकार साधु बनना है। साधु मतलब आप शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को सिखाओ और शास्त्रों को कैसे जीना है ये सिखाओ, ये अपने अपने जीवन से दर्शाओ। तो महाराज ने कहा कि जो भी मंदिर में ब्रह्मचारी आएंगे उनसे हम बिल्कुल फंड रेजिंग की सेवा नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएगा, पहले था तो, पर क्या है वो अपेक्षा नहीं रहेगी, और कि शास्त्रों का अध्ययन करो। और ये एक रेडिकल प्रस्ताव था उस समय कि मंदिर में ब्रह्मचारी है तो क्या है, आप बड़ा मंदिर बनाओ, आप बहुत से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, ये बहुत अच्छी चीज है, पर क्या है प्रशिक्षण जो था वो सबसे पहले प्रशिक्षण दो जिससे कि प्रचार हो सके। ये जो है राधानाथ महाराज ने पायनियर किया है पुनः। तो और उससे क्या हुआ, जब इस तरह से शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मौका मिल रहा था तो फिर बहुत से बुद्धिमान सुशिक्षित युवक ब्रह्मचारी बनने के लिए उत्सुक हो गए। अभी जब एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहां पे उसके मैनेजर हम बता रहे थे कि मंदिर में एक समय कुल भक्त थे ही नहीं, तो हमने क्या किया था, बोले हम बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे गए और हमने बताया लोगों को कि आप यहाँ पे भूखे रह रहे हो, आप यहाँ पे ठंडी में सो रहे हो, आप मंदिर में आओ, कुछ सेवा करो, हम आपको रहने के लिए और खाने के लिए सोने के लिए जगह दे देंगे। तो मुझे आप म्यूट पे, हाँ सॉरी, यस यस वी कैन हियर, नेटवर्क चला गया था, अभी आ गया। तो क्या हो गया, महाराज इस तरह से महाराज ने प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से जो ब्रह्मचारी है वो प्रचारक बन सकते हैं। और जो महाराज ने चालू किया 1980 से, अभी उसका फल है कि ये हम मिथ्या अहंकार के भाव से नहीं कह रहे, आशा कर सकते हैं कि ये भी इस्कॉन के सेकेंड जनरेशन के जो प्रचारक है उनमें से राधानाथ महाराज के शिष्य जो है वो प्रधान है। इसलिए ऐसे नहीं है कि बाकी सब जो सन्यासी है, गुरु है, उनके शिष्य प्रचार नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, पर यह जो संस्कृति है एक तरह से राधानाथ महाराज ने चालू की है। और फिर उसका जो यश देखा कि अच्छा इस तरह से हम सुशिक्षित लोगों को ला सकते हैं, वो प्रचार, वो उनको अगर शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिलता है, शास्त्रों को सिखाने का मौका मिलता है, तो फिर वो आएंगे और वो भक्त बनेंगे और फिर वो प्रचार करेंगे। यह नासिक, यह मुंबई में हुआ, फिर पुणे में हुआ, और फिर उसके बाद में जो इस्कॉन के अनेक दूसरे मंदिरों ने इसको अपनाया है। तो यह जो है कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें वी वॉन्ट अ मूवमेंट ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण जाति नहीं है, पर जो ब्राह्मण शास्त्रों में जो निपुण है और शास्त्रों का ज्ञान जो दे सकते हैं उनके लिए किस तरह से हम सुविधा दे सकते हैं। तो यह जो है यह एक बहुत बड़ा योगदान है महाराज का। तो पहला था बिल्डिंग कम्युनिटी, सेकेंड इज क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। न केवल शास्त्र, न केवल ब्रह्मचारियों के लिए है, पर जो ब्रह्मचारी जो है वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, अभी सब लोग पढ़ सकते हैं, पर ब्रह्मचारियों के पास एक तरह से समय ज्यादा होता है, गृहस्थों को बहुत से और जिम्मेदारियां होती है, तो ब्रह्मचारी पढ़ सकते हैं और फिर वो सिखा सकते हैं। तो यह दूसरा बड़ा योगदान है। और तीसरा जो है कि अभी महाराज जब मुंबई में क्लास देते हैं तो एक भी क्लास देंगे तो लगभग 2,000-3,000 लोग होते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा लोग होते हैं। तो अभी अपने महाराज ने अपने पूरा जीवन 87 से अभी 2017, 40 साल जो है, 30 साल जो है, उन्होंने यहाँ पे ये बड़ा अच्छा प्रकल्प बनाया है। पर अभी कैसे है कि महाराज यहाँ पे रह के जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसका केवल आनंद नहीं लाने चाह रहे, यहाँ पे अगर वो एक लेक्चर देते हजारों हजारों लोग आएंगे, पर अभी महाराज की जो इच्छा है कि पाश्चात्य देश में जो है पुनः प्रचार हो सके। तो उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ तरह बोल के फिर हम प्रश्नोत्तर लेंगे।
पिछले कई सालों से मैं भी पाश्चात्य देशों में जाता हूँ, लगभग साल के 12 महीनों में लगभग 9 महीने में भारत से बाहर रहता हूँ, उसमें से 6 में लगभग अमेरिका में होता हूँ। और पाश्चात्य देशों में भी कई भारतीय है, भारतीय लोग भक्तवंद रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो भक्त है वो पाश्चात्य लोगों को भी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है। उसके अनेक कारण हैं, पर एक भक्त है, उन्होंने पाश्चात्य, वो वेस्ट अमेरिकन भक्त है, उन्होंने अभी एक कुछ समय पहले एक ऐसे लिखा था कि अगर हम 2000 अभी अगर ऐसे ही चलते रहेगा इस्कॉन में तो 250 जब आ जाएगा तो तब शायद हम इस्कॉन को इस्कॉन के आखिरी पाश्चात्य भक्त की पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि लिखने का मौका मिलेगा। दिस वॉज द लास्ट वेस्टर्न डिवोटी इन इस्कॉन, नाउ इस्कॉन हैज बिकम अ इंडियन मूवमेंट। तो ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि सब देशों से लोग आए, भारत से आते हैं तो बहुत अच्छा है, पर प्रभुपाद जी ने इसको इंडियन सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं बताया, इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये ऐसे नहीं है कि सारे विश्व में हमारे केंद्र हो, पर सारे विश्व के केंद्रों में सारे विश्वों के लोग भी आए। तो अभी महाराज जब भारत में उनको बहुत यश, काफी हद तक यश मिल रहा है, प्रचार हो रहा है और लोग आ रहे हैं, पर तभी कैसे है कि महाराज ने देखा कि पाश्चात्य देशों में प्रचार इतना नहीं हो रहा है, और फिर एक अलग अलग परिस्थितियां हुई, उससे एक एक मार्ग मिल गया महाराज को। अभी पाश्चात्य देश में कैसे है कि लोग जो है नास्तिक नहीं है, आध्यात्म में थोड़ा बहुत रुचि है, पर वो आध्यात्मिक संस्थाओं से बहुत उनको संशय लगता है, वो दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। तो कोई कई लोग कहते हैं कि वी आर SBNR, SBR मतलब स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, आध्यात्मिक है पर हम कोई धर्म का पालन नहीं करते, धर्म को नहीं मानते हैं, आध्यात्मिक है पर धार्मिक नहीं है हम। और कई बार क्या होता है, जो इस्कॉन है, हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक संस्था है, पर लोगों को हम बहुत धार्मिक लगते हैं, हम एक प्रकार का पोशाक पहनते हैं, हम जप माला लेके घूमते हैं, हम तिलक लगाते हैं, तो ये सब उससे क्या लगता है, अब बहुत धार्मिक हो, और फिर मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं रखना है। तो फिर तो आध्यात्मिक जो है, किसको वो आध्यात्मिक मानते हैं, आध्यात्मिक मतलब जिस व्यक्ति को स्वयं कुछ खुद के आध्यात्मिक साक्षात्कार है, वो कुछ इस जगत के परे कुछ और अनुभव किया है उसने, और उस अनुभव को वो खुद और अनुभव कर रहा है और वो अनुभव दूसरों को दे रहा है। तो यह जो है अभी आध्यात्म और स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस में क्या फर्क है, ये बड़ा एक विषय है, पर यहाँ पे सारांश में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग जो है वो स्पिरिचुअल खुद को घोषते कि मैं हम आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है, और इस्कॉन बहुत धार्मिक लगती है उनको, तो इसीलिए ये एक कारण है, कई कारण है, तो लोग नहीं आते हैं। तो फिर महाराज जब भक्ति तीर्थ महाराज के साथ थे उनके अंतिम दिनों में, और उस समय भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि तुम अपने जीवन की कहानी लिखो, तो तभी महाराज ने जर्नी होम लिखा, और जर्नी होम जो कहानी है, जो किताब है, वो महाराज के लिए एक एक शस्त्र बन गया, एक उपजार, एक टूल बन गया, जिससे कि वो जो लोग कृष्ण भावना आंदोलन में इस्कॉन की ओर कभी मुड़ के भी नहीं देख सकते थे, देखते थे, वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गए, खास करके पाश्चात्य देशों में। क्योंकि क्या है कि वही महाराज ने किताब लिखा है जर्नी होम, उसमें उन्होंने क्या किया है, खुद के अनुभव बताए हैं, खुद के अनुभव बताए, मतलब किस तरह से वो खुद खोज में गए और किस तरह से वो अपनी खोज में उनको क्या यश मिला, क्या उसका अंत हुआ। तो इस तरह का जो खुद के अनुभव का जो ग्रंथ होता है, और खास करके जब मैं महाराज का जर्नी होम बुक एडिट कर रहा था, फिर बाद में जर्नी विदिन भी एडिट करने का सेवा मिली थी मुझे, तभी महाराज से बात कर रहा था, तो महाराज ने बताया मुझे कि उनके कई गुरु भाई हैं जिनको प्रभुपाद जी का काफी संग मिला था, और उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में कई किताबें लिखी हुई है, और वो बहुत सुंदर किताबें हैं, से बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। साथ साथ में क्या है कि
कि ये जो किताबें हैं, अधिकांश किताबें जो प्रभुपाद जी के बारे में लिखी है वो उन लोगों के लिए सूटेबल है, उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनको पहले से प्रभुपाद में श्रद्धा है। अभी जो प्रभुपाद जी को एक गुरु के रूप में नहीं मानते हैं उनके लिए बहुत सी कम किताबें हैं, 2-3 किताबें हैं, पर जो अधिकांश किताबें हैं वो भक्तों के लिखी हुई है। और उसमें कैसे है कि प्रभुपाद जी का गुणगान है और जो प्रभुपाद जी का गुणगान सुनना चाहते हैं वो आएंगे वहां पे। पर महाराज ने कहा कि मेरा किताब जो है वह भी प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए ही लिखा है, पर वह इस तरह से लिखा है कि जो लोग प्रभुपाद जी को स्वीकार नहीं करते हैं वो भी प्रभुपाद जी के गुणगान को प्रभुपाद जी के गुणगान को सुनने को तैयार हो जाएंगे। कैसे कि इसको कहते हैं एक्सक्लूसिविस्ट और इंक्लूसिविस्ट। एक्सक्लूसिविस्ट मतलब जो बहुत सी किताबें हैं प्रभुपाद जी सब कुछ है और प्रभुपाद जी इतने महान थे, ठीक है तुम ये तुम्हारे गुरु है तुम महान है मैं मानता हूँ उसको, तुम मानो उसको मुझे क्या लेना है इससे। पर महाराज ने कैसे किया, उनकी उनकी खोज बताई है और उसमें कैसे अलग अलग आध्यात्मिक नेताओं से वो मिले और उन सबसे उनको कुछ सीखने को मिला। अभी महाराज कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि वो सब गलत थे और प्रभुपाद जी सही थे, पर महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा से ही मैं उन सब गुरुओं से मिला पर मैंने प्रभुपाद जी को समर्पित किया खुद को। मतलब क्या है कि उनके उनके अनुभव में प्रभुपाद जी सबसे में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये क्या है, थोड़ा इट्स अ सटल बट मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर फार रीचिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रभुपाद। यह थोड़ा सूक्ष्म है पर यह बहुत ज्यादा लोगों के पास जाता है, तो लाखों लाखों के लोग मात्रा में लोगों ने ये किताब पढ़ा है और अलग अलग स्तर पे उनको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है। कुछ वो महाराज इतने प्रेरित हो गए कि वो भक्त बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं, भक्ति कर रहे हैं। कुछ जो है वो अब यहाँ पे है भौतिकवाद से कम आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित तो हो गए हैं, वो आध्यात्मिक खोज में तो निकले हुए हैं। तो बहुत से लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है। इस तरह से क्या है, जो लोग स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस है, जो किसी धार्मिक संस्था से कुछ लेना देना नहीं चाहते हैं, उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए जो जर्नी होम किताब है वह बहुत ही दक्ष अस्त्र है, बहुत बहुत ही उचित है। क्यों, क्या है कि इसमें किसी एक धार्मिक संस्था के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उसके धार्मिक संस्था के शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, एक मानवीय अनुभव है उसके आधार पर लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जा रही है। तो जर्नी होम से एक पाश्चात्य प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया महाराज के लिए। और फिर उसमें महाराज अभी कहते हैं, महाराज ने बता रहे थे कि मैं अगर भारत में एक प्रोग्राम करता हूँ तो एक प्रोग्राम के लिए 10,000 लोग आएंगे, मैं लंदन में एक प्रोग्राम करूंगा तो एक प्रोग्राम के लिए 1,000 लोग आएंगे या 2,000 लोग आएंगे, मैं न्यूयॉर्क में प्रोग्राम करूंगा तो वहां पे 200 लोग आएंगे। अभी ये 3-4 साल पहले की बात है, काफी 3 साल पहले की बात है ये, अभी और बढ़ सकते हैं तो सब जगह। पर महाराज बोल रहे थे कि पर प्रभुपाद जी उनके हृदय से मुझे बता रहे हैं कि तुम मेरे हृदय में मुझे बता रहे हैं कि तुम न्यूयॉर्क में प्रचार करो। जो कहते कि प्रभुपाद जी के कई खत है, वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि न्यूयॉर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड। अभी क्यों बता रहे थे वो, एक तरह से न्यूयॉर्क इम्पोर्टेंट है पर वहां से वहां पे अगर प्रचार होगा तो सारे विश्व भर में प्रचार वहां से हो सकता है, सारे अमेरिका में और सारे विश्व में प्रचार हो सकता है। तो मतलब महाराज को अगर सिर्फ बहुत से कितने लोग मेरे प्रवचन के लिए आते हैं देखना है तो हजारों की संख्या में भारत में आ जाएंगे, पर ये उनका एक तरह से निस्वार्थ सेवा भाव है कि जहां पे कम लोग आ रहे हैं वहां पे भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो मैं जब भारत में था, अभी भारत में हूँ ऑफकोर्स, पर जब भारत में अधिकांश प्रचार कर रहा था तो मैं यूथ प्रीचिंग करता था, कांग्रेशन प्रीचिंग कर रहा था, तो महाराज ने बताया था कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे अगर आप प्रचार करोगे, वहां पे अगर आप सेवा करते हो तो आपको उससे बहुत कृपा मिलती है। तो वो उदाहरण देते हैं कि कैसे, अगर किसी को पानी चाहिए, मतलब क्या आप पानी, एक ग्लास पानी ला सकते हो, ठीक है आप पानी लेके आते तो हम कृतज्ञ हो गए उससे, पर मान लीजिए कोई
कोई योद्धा है वो रणभूमि में युद्ध कर रहा है और वो अपने वहां पे वो अपने पॉइंट पे बैठ के युद्ध कर रहा है पर उसको बहुत प्यास लगी है, वो छोड़ के वहां से जा नहीं सकता है पर वहां पे कोई उसको पानी ला के देता है तो भूखा है प्यासा है युद्ध कर रहा है वहां पे अगर पानी देता है तो और बहुत बड़ी सेवा है वो। तो कहते हैं जहां पे वेयर देयर इज ग्रेटर नीड देयर इज ग्रेटर मर्सी, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा कृपा हमें मिल सकती है। तो महाराज जो है पाश्चात्य देश में प्रचार करने का भी प्रयास कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने न्यूयॉर्क में एक भक्ति सेंटर है वहां पे शुरू किया है, बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर है पर वहां से बहुत से पाश्चात्य देश के लोग, न केवल पाश्चात्य अमेरिकन पर अमेरिकनाइज्ड इंडियंस भी जो बिल्कुल अमेरिकन जैसे बन गए हैं उस विचारधारा के, वो सब आ रहे हैं। और पूरे अमेरिका में हम कई केंद्र है हमारे और बहुत से भक्त है पर अधिकांश भारतीय है, तो केवल 3-4 जगहों पे अमेरिका में पाश्चात्य लोगों के लिए एक सिस्टमैटिक प्रीचिंग हो रहा है और उसमें महाराज का योगदान जो है वो प्रधान है। तो ये एक महाराज की एक तरह से महाराज का निस्वार्थ सेवा भाव है वो, और वही पाश्चात्य देश का जो प्रचार है उसको कैसे भारत में भारत से जोड़ा जाए तो उसके लिए उन्होंने गोवर्धन इको विलेज बनाया है। गोवर्धन इको विलेज क्या है ये बड़ा विषय है पर संक्षिप्त में बोल के मैं इसको विराम दूंगा। कैसे है कि अभी महाराज स्वयं वृंदावन आए और जब वृंदावन आए तो उनको वृंदावन बहुत आकर्षक लगा और वृंदावन में उनकी जो आध्यात्मिक खोज इस तरह से अंत हुई। पर क्या है महाराज की दृष्टि बहुत दिव्य और आध्यात्मिक थी। बहुत से लोग जब वृंदावन में आते हैं पाश्चात्य देश से तो उनको वो काफी बुरा अनुभव होता है। अभी पिछले 2-3 सालों से कुछ अमेरिकन्स जो है उनको हम भारत लेके आते हैं, भारत से वृंदावन का टूर वगैरह कराते हैं। तो कैसे है कि जब वो भारत में आते हैं तो उनको पहले बहुत से चेतावनियां दी जाती है कि तुम ये मत करो भारत में, ये मत करो, खासकर स्त्रियां हैं तो अकेले आप कहीं मत जाओ और बहुत कुछ बोलना पड़ता है। और जब वृंदावन में जाते हैं तो क्या है वृंदावन में दिव्यता है पर बहुत सा कमर्शियलाइजेशन भी है और बहुत से ऐसी चीजें हैं वहां पे, एक भौतिक दृष्टि से डिसऑर्डरलीनेस है, अनक्लीननेस है, अनियोजिकता है, अस्वच्छता है। तो उससे क्या है उसके परे देखना आसान नहीं है, संभव है पर आसान नहीं है। तो जो गोवर्धन इको विलेज है महाज की विचार क्या थी कि टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया विदाउट द केओस ऑफ इंडिया, विदाउट द केओस ऑफ भारत का अध्यात्म जो है उसका अनुभव देना पर भारत में जो अयोजकता है उसके बिना। तो महाराज ने बताया कि गोवर्धन कॉलेज शुड बी नेचुरल कंफर्टेबल एंड स्पिरिचुअल, ये नैसर्गिक होना चाहिए, ये कंफर्टेबल, ये इसमें ज्यादा तपस्या नहीं होनी चाहिए और यह जो है वह आध्यात्मिक होना चाहिए। तो वहां पे जो अगर आप गोवर्धन कॉलेज आए हो कहीं तो आप देखें कि वहां पे उन्होंने जो कई वृंदावन के मंदिर है उनकी एक पुनराकृति बनाई है, खास करके मदन मोहन का मंदिर बड़ा मंदिर बनाया है वहां पे। तो जो महाराज अमेरिका में न्यू वृंदावन में थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि न्यू वृंदावन जो है वह पाश्चात्य देशों के लिए वृंदावन के समान बन जाए और वहां पे पाश्चात्य देश के लोग, खास करके अमेरिका के लोग आए और उनको वृंदावन का अनुभव हो और उसके बाद में वो वृंदावन आ सके। तो न्यू वृंदावन के जो प्रोजेक्ट है कई कारणों से वह आगे इतना अच्छा नहीं बढ़ पा रहा था, महाराज कई सालों तक वहां पे थे पर वहां पे नहीं बढ़ा। तो जो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि न्यू वृंदावन में जो हो एक ऐसी जगह जहां पे पाश्चात्य देश के लोग खुद को कंफर्टेबल लगे उनको और फिर वहां पे वो भक्ति की आध्यात्मिकता, भक्ति का अनुभव कर सके। तो वो जो न्यू वृंदावन में नहीं हो सका वो महाराज ने गोवर्धन इको विलेज में किया है और वहां पे पाश्चात्य, अभी गोवर्धन इको विलेज बहुत कुछ कर रहा है, वहां पे इको फ्रेंडली लिविंग है, वहां पे रूरल डेवलपमेंट है, आस बाजू बाजू के लोगों को, गांव वासियों को भी मदद हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। पर मैं केवल यहाँ पे पाश्चात्य प्रचार के बारे में जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यह जो है एक कॉम्बिनेशन है कि भक्ति सेंटर में वहां से लोगों को प्रचार हो रहा है,
न केवल न्यूयॉर्क में, आप काफी जगह में, और वहां से जो लोग प्रेरित होते हैं तो पहले गोवर्धन कबीर आते हैं वहां पे और प्रेरणा लेते हैं, और फिर उसके बाद में जब वो भारत के बाकी संस्कृति का आध्यात्म का अनुभव करते हैं तो उनको एक पहले ही सकारात्मक अनुभव आ चुका है, और उसके बाद में वो वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, तो क्या है उनको नकारात्मक अनुभव इतने नहीं आते क्योंकि पहले ही सकारात्मक अनुभव आ गया है। तो ये दो बार हम अमेरिकन लोगों को लेके आ गए, वृंदावन लेके गए, ऋषिकेश लेके गए, फिर गोवर्धन कबीर लेके आए, सबको गोवर्धन कबीर इतना अच्छा लगा है। तो अभी कई प्रिंसटन और काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, वहां से भी विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं कि एक इंडिया का फील्ड ट्रिप हमको चाहिए, वो अगर वो धार्मिक अध्ययन कर रहे हैं रिलीजियस स्टडीज में तो वहां पे रह के आके कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो अभी वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, पर ये कहने का भाव यह है कि जहाँ पे कृष्ण भावना पहले पहुंच नहीं रही थी और हमारे साधारण पद्धतियों से जहाँ पे पहुंच नहीं सकती थी, वहां पे महाराज इसको ले जा रहे हैं, और यह उनका अथक प्रयास है कि लोग कृष्ण न केवल सिर्फ वो मंदिर में आए या भक्त बन जाए, दीक्षित हो जाए, पर कि लव ट्रस्ट एम्पावरमेंट यह रहे कि हम भक्तों को प्रेम दे, उनको विश्वास करें और उनको बड़ी बड़ी उनको सेवा करने के लिए शक्ति दे। कुछ भक्त बहुत बड़ी सेवा करेंगे, कुछ भक्त छोटी सेवा करेगा, सबके अलग अलग क्षमताएं हैं, पर सबको ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो अभी आप सब दिल्ली में हो और वहां पे आप इस प्रकार का सत्संग करते हो कभी कभी, और आप शायद आपको महाराज का इतना संग नहीं मिलता है, पर बहुत से भक्तों को आजकल महाराज का संग नहीं मिलता है, पर जो गुरु का संग होता है वो अलग अलग पद्धति से हमें मिल सकता है। वास्तव में हमें अगर हमारे जो गुरुदेव है उनके मिशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें हम सहभागी होने का प्रयास करते हैं, तो उससे वास्तव में हमें उनसे जो करीबता महसूस होती है, रियल इंटीमेसी कम्स नॉट बाय फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बट बाय सिमिलैरिटी ऑफ पर्पस। कि असली जो हम करीबता महसूस करते हैं वो केवल शारीरिक करीबता से नहीं है कि हम महाराज को देखें, महाराज का लेक्चर सुने, वहां से बातचीत कर सके, पर जो भाव है उनका, जो सेवा का भाव है, जो उद्देश्य है, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो फिर हम वो करीबी महसूस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को भी भक्तिदास ठाकुर का ज्यादा संग नहीं मिला था व्यवहारिक शारीरिक स्तर पे, पर उन्होंने उनका उद्देश्य जो है वो स्वीकार किया है। तो जिस भी परिस्थिति में है, जो ये तीन चीजें है, लव, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट, ये किस तरह से आप वहां पे एक दूसरे के बीच में अमल कर सकते हैं, और हम सब जो है कृष्ण भावना जो है हम खुद अंदर बढ़ा सकते हैं और बाहर भी बढ़ा सकते हैं। तो सारांश में मैंने आज चर्चा की किस तरह से कृष्ण भावना का जो कृष्ण भावना आंदोलन का इतिहास और राधा महाराज का योगदान, इसके बारे में चर्चा की मैंने। पहले बताया कि कैसे प्रभुपाद जी ने आंदोलन चालू किया, तो दो प्रकार के प्रचार हो रहे थे। एक है कि दो प्रचार के प्रचार क्या है कि एक है जो मंदिर में आके भक्त बन रहे थे, दूसरे जो थे लाइफ मेंबर बन रहे थे। पर भारतीय लोग जो थे केवल लाइफ मेंबर बन रहे थे, पाश्चात्य लोक में जो थे वो फुल टाइम आ रहे थे। पर अभी जो समय है इस्कॉन में, तो ये दोनों में ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा लाइफ मेंबर नहीं है, ज्यादा फुल टाइम डिवोटीज नहीं है, तो जो बीच में है कॉन्ग्रिगेशन डिवोटीज, तो वो ही प्रधान है। तो अभी उनको कैसे पोषण करना है, इसके लिए जो जरूरी है करना, उसमें एक प्रधान योगदान महाराज का है, कम्युनिटी बिल्डिंग, काउंसिलर सिस्टम है, या अलग अलग कॉन्ग्रेशन प्रोग्राम्स है, भक्तिवंत हॉस्पिटल है, अलग अलग योजना है, जैसे स्थानीय स्थित आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको भक्ति करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाए, उसके बारे में महाराज ने बहुत कुछ किया है। और फिर दूसरा था कि कैसे अ कल्चर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, कैसे जो मंदिर में आ रहे हैं जो ब्रह्मचारी बनने के लिए और दूसरे भी जो भी चाहते हैं वो, पर कैसे है कि केवल फंड रेजिंग पर जोर न रखे, पर हम कैसे जो वी क्रिएट अ कल्चर ऑफ प्रीचर्स, एक प्रचारकों का को ट्रेनिंग देके उनको प्रचारकों को प्रचार करने का सुविधा दे। और तीसरा था कैसे पाश्चात्य प्रचार, खास करके
कि पाश्चात्य देश में हमारी संख्या बहुत कम हो गई भक्तों की, पाश्चात्य भक्तों की, तो उन तक कैसे पहुंचे? वो एक संस्था से जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं। तो जर्नी होम जो किताब है महाराज के अनुभवों का है, उससे वो आकर्षित हुए। फिर उसके बाद में जब आगे आ रहे हैं तो उनको ऐसे सुविधा दी जाए, तो भक्ति सेंटर है और फिर गोवर्धन इको विलेज है। तो ये उसका निस्वार्थ भाव है कि भारत में हजारों लोग उनके हर एक प्रवचन के लिए आएंगे, पर पाश्चात्य देशों में शायद 100-200 आएंगे, कभी 50-20-50 भी आएंगे, पर वहां पर जा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी के लिए न्यूयॉर्क महत्वपूर्ण था। तो ये निस्वार्थ सेवा भाव है। और अभी न केवल आपको दिल्ली में, पर बॉम्बे में भक्तों को भी महाराज का इतना संघ नहीं मिल रहा है इसके कारण। पर जो संघ है वास्तव में वो केवल शारीरिक करीबता से नहीं है, पर वह एक उद्देश्य की समानता से है। तो अगर हम वो हमारे गुरुदेव का भाव समझ के उसका अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे तो हम भी उनके प्रति करीबी जो है महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने इस्कॉन के इतिहास और महाराज का उसमें योगदान के बारे में आपने चर्चा की है। मेरे कुछ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न ये था कि प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में इतना धुआंधार उन्होंने प्रचार करके कृष्ण भावनामृत को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में, आध्यात्मिक संस्था के रूप में उन्होंने स्थापित किए, और वो स्वयं एक जगत गुरु के रूप में भी स्थापित हुए, मगर क्या कारण है कि उनकी एक पूरे संसार में उनकी जो स्थिति है या उनकी जो मान्यता पोप या दलाई लामा की तरह अभी तक वो प्राप्त नहीं हो पाई है? ओके, तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया है पर फिर भी जैसे दलाई लामा जैसे यूनिवर्सल लीडर है वो, ऐसे प्रभुपाद जी को क्यों मान्यता नहीं मिली है? कई कारण है, तीन कारण प्राइमरी कहूंगा मैं। मैं कुछ पहले इंग्लिश में बोलूंगा और फिर उसको हिंदी में भाषण तक करने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस्कॉन ऑफन हैज एक्सक्लूसिविस्ट इलिटिस्ट मेंटालिटी। कि एक्सक्लूसिविस्ट इलिटिस्ट मतलब क्या है कि हम इस्कॉन के सदस्य बन जाते हैं तो क्या हम चार नियमों का पालन करते हैं, हम इतनी कड़ी साधना करते हैं, और ये लोग क्या है, ये लोग मायावादी है, ये लोग भौतिकवादी है, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो खुद को स्पेशल मानना और दूसरों को नीचे दिखाना, यह जब हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसके कारण बाहर के दूसरे के लोग हैं वो ठीक है तुम ये कर रहे हो तुम ये करो, उसकी सराहना हम नहीं करते, दूसरे वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे प्रचार में हमने प्रभुपाद जी की इस तरह से पोर्ट्रेयल, इस तरह से का एक चित्र बनाया है कि प्रभुपाद जी सबका खंडन करते हैं, और यह देखते हैं महाराज की किताब में बड़ा एक्सपर्टली उन्होंने प्रभुपाद जी को दर्शाया है। तो क्योंकि इस्कॉन में थोड़ा ये एक्सक्लूसिविस्ट एलिटिस्ट मेंटालिटी आ गया है कि हम स्पेशल है क्योंकि हम ये सब करते हैं और ये सब गलत है, तो फिर क्या हो गया, उसके कारण जो 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 इस्कॉन से नहीं जुड़ते हैं उनको इस्कॉन के प्रति थोड़ा हेजिटेशन रहता है, उनको थोड़े नकारात्मक भाव रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अगर हम रामकृष्ण मिशन को देखते हैं तो वो जो है वो मिशन के इतने सदस्य नहीं है जितने स्वामी विवेकानंद को सराहना करने वाले लोग हैं, क्योंकि ही वो उनको केवल रामकृष्ण मिशन के लीडर के कारण नहीं माना जाता है। तो हमने क्या कर दिया है कि प्रभुपाद जी को खासकर इस्कॉन के एटीट्यूड के कारण प्रभुपाद जी की रीच जो कम हो गई है, तो हमें क्या करना है कि एक तरह से वी नीड टू बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। हम स्पेशल है, तुम अंदर आ जाओ तुम भी स्पेशल हो जाओगे, तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा पतन हो गया, ऐसे नहीं है। जैसे मैं बताया था कि प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर्स वो कहाँ थे, अंदर थे या बाहर थे? तो वो लाइफ मेंबर्स कभी एक समर्पित भक्त नहीं बन रहे थे, ये बड़ा विषय है। अभी गिरिराज महाराज ने जुहू मंदिर जो है उसके बारे में एक 600 पन्नों का बड़ा किताब लिखा है, कैसे जुहू मंदिर की रचना हुई, प्रभुपाद जी कैसे युद्ध किया उसके लिए, और कैसे उसके लिए सब लाइफ मेंबर्स थे प्रभुपाद जी को मदद कर रहे थे, और ये सारे लाइफ मेंबर जो थे वो आध्यात्मिक थे, पर किसी ने उसमें लगभग किसी ने प्रभुपाद जी को अपना गुरु नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उन सबके अपने गुरु थे। किसी के गुरु स्वामी चिन्मयानंद थे, किसी के गुरु साई बाबा थे, किसी गुरु ये थे। तो प्रभुपाद जी जब उनके घर में जाते थे तो कई बार उनके ऑफिस में, उनके घर में ये दूसरे जो गुरु थे उनके बड़े बड़े चित्र थे,
तो गिरिराज महाराज बताए थे कि प्रभुपाद जी ने कभी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, उनकी निंदा नहीं की कभी। प्रभुपाद जी सबके साथ साथ लेकर सेवा करते थे। पर दुर्भाग्यवश क्या हो गया, प्रभुपाद जी के बाद कुछ भक्तों के ऐसे विचारधारा हो गई है कि प्रभुपाद जी का अनुशीलन करना है मतलब क्या है, हमें सबकी निंदा करनी है। तो उसके कारण हमने ही जो हमारे मित्र हो सकते हैं उनको हमारा शत्रु बना दिया हमने। अब अभी सबने नहीं किया है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो भक्तों को इस्कॉन को प्रभुपाद जी को मानते भी है, पर क्या है कि दूसरों को दोष देने के पहले खुद का दोष देखना जरूरी है। तो यह एक तरह से हमारा हमारा भी एक तरह से दोष है, पहली चीज है। दूसरी चीज यह है कि जो भारत का इतिहास किताबों में सिखाया जाता है वह जो है मोस्टली इंडिपेंडेंस तक बताया जाता है, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बताया जाता है, उसके बाद में जो है बहुत स्केची है, ज्यादा स्पष्ट नहीं है, ज्यादा उसका विस्तार नहीं है। तो जो कई आध्यात्मिक लीडर जो है भारत के स्वतंत्रता के पहले उनके नाम आते हैं किताबों में, उसके बाद में जो है उनके नाम ज्यादा आते नहीं है, वो एक समस्या, इसलिए ज्यादा प्रचलित नहीं है वो। और मीडिया में कैसे है कि जो बुद्ध धर्म है वह बहुत सकारात्मक रूप से उसको दर्शाया जाता है। हॉलीवुड में बुद्धिज्म इज द मोस्ट पॉजिटिवली पोर्ट्रेड रिलीजन। कई बॉलीवुड स्टार जो है वो खुद बुद्ध फॉलो नहीं करते, पर कुछ माइंडफुलनेस वगैरह करते हैं वो। तो फिर लिटिल बुद्धा जैसे जो मूवीज है उसके अंदर बुद्धिज्म जो है उसके बारे में बहुत सकारात्मक भाव है। उसके अंदर दलाई लामा के जो लीडर थे वह भी उनके बारे में सकारात्मक भाव है। ये दूसरा कारण है कि जो है जो मीडिया है, या किताब हमारे भारत में किताब हो या जनरली जो मीडिया है, उसमें क्या है कि अधिकांश रूप से हिंदुइज्म का ज्यादा सकारात्मक पिक्चर नहीं बताया जाता है। और ऊपर से क्या है, क्या इस्कॉन हिंदू है या नहीं है, इसके बारे में भी कई बात बंद होते रहता है। उसके कारण भी तो हम प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे कैसे? तो क्या ये एक संस्था के संस्थापक है, या ये हिंदू नेता है, आध्यात्मिक नेता है, क्या है वो? तो हमारे तो ये अस्पष्टता के कारण थोड़ी समस्या आती है। और थोड़ा तीसरा क्या है कि प्रभुपाद जी ने बहुत से विषयों पर बातचीत की है, पर कई बार उनकी जो टीचिंग्स है वह काफी डायरेक्टली डिवोशनल लगती है लोगों को। अभी दलाई लामा फेमस है, वो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए फेमस नहीं है, वो एक जेनरिक स्पिरिचुअल लीडर है। अगर आप उनके लेक्चर सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपको बुद्धिज्म स्वीकार करना जरूरी है। अच्छा, ये कुछ अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो क्या है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत नॉन डिमांडिंग है। उनको पूछा गया दलाई लामा को कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, बोले कि कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। आध्यात्म का मतलब क्या है, करुणा और माफ करना। ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है। अभी प्रभुपाद जी भी भक्ति जो सिखाते हैं उसमें करुणा है, उसमें माफी करना है, पर प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है वो काफी स्पेसिफिक है। कृष्ण की पूजा करो आप, ये जप करो आप, ये नियमों का पालन करो। तो क्या है, ये लोकप्रिय होना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है, पर इस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी थोड़ी डिमांडिंग होती है, जो लोगों से कुछ मांग करती है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, वह उसको स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। पर फिर भी अगर हम सकारात्मक प्रचार करते हैं, सकारात्मक बहुत, और कई हमारे जो प्रचारक है, वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्य है, सेकंड जनरेशन लीडर्स भी है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रभुपाद जी की जो महिमा है वह प्रस्थापित हो रही है, पर उसके लिए समय लगेगा। अभी कई और कारण भी हो सकते हैं, पर ये तीन प्रधान कारण है, हमारे ही एक्सक्लूसिव मेंटालिटी, दूसरा कि टेक्स्ट बुक्स और मीडिया में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का बताया नहीं है, और हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा सकारात्मक नहीं आता है, और तीसरा जो है कि प्रभुपाद जी के जो प्रवचन वगैरह है वह जो एक सीरियस स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो करना चाहता है, जो सिर्फ एक फील गुड स्पिरिचुअल जाता है, हाँ ये अच्छा उपदेश सुना मुझे, अच्छा लगा सुन के, ये वैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हमको नहीं मिलते हैं। तो बहुत से जो आध्यात्मिक नेता है जो लोकप्रिय होते हैं उनके लेक्चर्स
फील गुड स्पिरिचुअलिटी होती है, तो लोग मैं जहाँ हूँ वहाँ पे अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगा सुन के लेक्चर, तो वैसा भाव प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के आना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके कारण थोड़ी चैलेंज है, पर यह इसमें हमारे हमको भी मौका है कि हम और अच्छी तरह से कृष्ण भावना को प्रस्तुत करें, उससे जो कृष्ण भावना का प्रचार करने वाले जो महान आचार्य है प्रभुपाद जी उनका भी गुणगान करें। ओके धन्यवाद प्रभु जी। मेरा अगला प्रश्न है कि हम देखते हैं कि हर धर्म या जो हर पंथ है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। एक जन सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि आखिर कौन सा संप्रदाय या कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और किस संप्रदाय की उसको शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो कैसे वो व्यक्ति इसको आकलन कर सकता है कि सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावान्वित है करके? कैसे कोई आकलन कर सकता है कि कृष्ण भावना सर्वश्रेष्ठ है जब उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस के बीच में अभी ये जरूरी नहीं है कि कृष्ण भावना अमृत ही सर्वश्रेष्ठ माने हम कृष्ण भावना का पालन करने के लिए। अगर मान लीजिए किसको, दो उदाहरण दूंगा मैं इसके लिए, कि अगर कोई व्यक्ति एक घर में जहाँ पे आग लग गई है, तो फिर वो कौन से दरवाजे से बाहर भागे? उसको बाहर जाने के लिए सबसे बड़ा दरवाजा जरूरी नहीं है, सबसे नजदीक का दरवाजा है वो स्वीकार करे वो। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में क्या है, ये संसार दावान लिधलोक है, इसमें से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है, हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ानी है। और ऐसे नहीं है कि हमें सारा ढूंढना है इसमें सबसे अच्छा मार्ग क्या है, फिर वो क्या है मार्ग स्वीकार करे। अभी जर्नी होम में कभी भी महाराज ऐसे नहीं कहते कि कृष्ण भावना अमृत कृष्ण कॉन्शियसनेस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पाथ्स। वो बताते हैं कि दिस वॉज द पाथ दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है। तो अभी जो है ये वैदिक संस्कृति का भाव नहीं है कि मेरा पंथ सबसे ज्यादा सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब नगण्य है। नहीं, कैसे है कि इसका मैं इस पर पूरा प्रवचन हो सकता है, मैं आपको बाद में लिंक भी भेज सकता हूँ, पर संक्षिप्त में कैसे है कि मान लीजिए एक पर्वत है, उसके पर्वत का जो ऊपर जो है वो परम सत्य है और उसके नीचे जो है वो पर्वत का नीचे का भाग है। तो पर्वत का जो ऊपर है वह है भगवत चेतना, आध्यात्मिक चेतना, पर्वत के नीचे जो है वह है भौतिक चेतना। तो अभी पर्वत के नीचे ऊपर जाने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, तो कई मार्ग हो सकते हैं ऊपर जाने के लिए, महत्वपूर्ण क्या है कि हम ऊपर जाए। तो तीन पर्याय हो सकते हैं, कोई कहता कि मेरा ही मार्ग सही मार्ग है बाकी सब मार्ग गलत है, पर यह तो संकीर्णवाद हो गया। दूसरे मार्ग से भी कोई पहाड़ के ऊपर जा सकता है, वो पर्वत के ऊपर जा सकता है, पर तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिविज्म कि ये मेरा ही मार्ग सही है। पर उसका दूसरा विपरीत क्या है, प्लूरलिज्म, सब मार्ग सही है, पर सब मार्ग सही नहीं है। वहां पे आप नीचे पर्वत के नीचे हो, वहां से सब मार्ग आपको पर्वत के ऊपर नहीं ले जाएंगे, कोई मार्ग आपको सिर्फ पर्वत के नीचे गोल गोल घुमाते रहेंगे, कोई मार्ग आपको पर्वत से दूर नीचे एक खाई में लेके जाएंगे। तो हमें देखना है कि आप पर्वत की ओर ऊपर जा रहे हो या नहीं। तो प्लूरलिज्म मतलब सब मार्ग सही है, वह भी गलत है, एक्सक्लूसिविज्म गलत है, प्लूरलिज्म भी गलत है कि मेरा ही मार्ग सही है और सब मार्ग सही है। तो फिर क्या है, फिर जो है इंक्लूसिविज्म। इंक्लूसिविज्म मतलब क्या कि एक उद्देश्य है और एक उद्देश्य के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, हमारा एक पर्पज है क्या है, पर्वत के ऊपर जाना है। तो मापदंड क्या है कि पर्वत के करीब जा रहे हैं या नहीं। तो पर्वत के करीब जाना मतलब क्या है कि दो भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च, भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति। भक्ति अगर किसी कोई भक्ति कोई अनुभव कर रहा है, भक्ति में प्रगति कर रहा है, तो उसके दो लक्षण होते हैं कि हमें भगवान का अनुभव होता है। भगवान का अनुभव अगर होता है तो फिर बाकी सब अनुभवों से हम उससे विरक्त हो जाते हैं, उन सब से हमें उतनी तृष्णा नहीं रहती है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई पर्वत के ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, अगर मान ली उसके पास कोई डिस्टेंस मीटर है तो देखिएगा कि मेरा जो पर्वत के नीचे की जगह था उससे मेरा हाइट अभी ऊपर जा रहा है। पहले मैं पर ग्राउंड लेवल पे था, सी लेवल पे था, पर अभी मैं 500 मीटर ऊपर आ गया हूँ, मैं 1 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ। ओके, अच्छी बात है। और फिर
अगर अगर आपके पास कोई मीटर है जिससे आप ऊपर का जो उसका पर्वत का टॉप है वो आपको पहले इतना दूर था, अभी वो कम करीब आ गया है, दूरी कम हो गई है। तो मतलब भौतिक भौतिक खास करके ऐसे भौतिकवादी भोग जो अनैतिक है, जो आध्यात्मिकता के खिलाफ है, उनसे अगर विरक्ति आ रही है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, परम सत्य आध्यात्मिक सत्य के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, तो वो मार्ग हमारे लिए सही है। और फिर अभी क्या यही मार्ग सही है, दूसरे लोग दूसरे मार्ग से भी ऊपर जा सकते हैं, और अगर वो वास्तव में प्रगति कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमें ऐसे नहीं है, हमें ये नहीं करना है कि दूसरा कोई किसी और मार्ग से पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है उसको हम खींचे नीचे लाए और फिर तुम बोलो इसी मार्ग से ऊपर चढ़ना है। नहीं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। 3:26 में भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि दूसरों के मन को आप विचलित मत करो, भले ही वो अज्ञानी क्यों नहीं, आपको लगता है वो अज्ञानी है, वो आसक्त है, पर जोशयेत सर्व कर्माणि, जिस स्तर पे है वहां से आप उनको आगे बढ़ाओ, जिस स्तर से है वहां पे उनसे आगे बढ़ाओ। तो महाराज जब कुंभ मेला में थे एक बार, तो वहां पे वो एक प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर बूथ में थे वहां पे, और वहां पे कोई हिंदू नेशनलिस्ट जो था वो आ गया और फिर वो कहने लग गया कि महाराज सो विच रिलीजन वेर यू, आपके धर्म में आपका जन्म हुआ? मैं जू में था, जू परिवार में, मेरे माता पिता जू थे। तो फिर बोले कि आपने जू छोड़ के आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, इसका मतलब है कि हिंदू धर्म जू से बड़ा है? नहीं, सब धर्म वास्तव में भगवान से ही आए, आप सब भगवान के पास ही लग जाते हैं। पर फिर भी वो महाराज बताते हैं, पर आपने जू धर्म छोड़ दिया, आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, इसका मतलब हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और जू धर्म नगण्य है। महाराज वापस बोले थे नहीं नहीं, वास्तव में सब धर्म से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो फिर बार बार में पूछने लगा, वही पूछ रहा था, फिर आप अगर सब धर्मों से अगर आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं तो फिर आपने जू धर्म छोड़ के अपने हिंदू धर्म क्यों स्वीकार किया? तो फिर महाराज ने पंथ में जवाब दिया, बिकॉज कृष्णा अट्रैक्टेड माई हार्ट लाइक नो वन एल्स, क्योंकि कृष्ण ने मेरे हृदय को इस तरह से आकर्षित किया जैसे किसी ने नहीं किया। तो ये जो है आध्यात्म है, इसमें एक रस का अनुभव होता है, और यह जब अनुभव होता है तो एक एक आकर्षण हो जाता है, वो एक दिव्य आकर्षण होता है वो। तो हमें ऐसे नहीं है कि हमारे धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताना है सबको, ऐसे प्रस्तावित करना है, नहीं, हमें देखना है कि अभी भौतिक जगत में सब लोग दुखी है, और जब दुखी है तो हमें क्या करना है, उनको मदद करनी है। अभी जो है ये कोरोना क्राइसिस, कोरोना के कारण कोविड बीमारी हो गई है, तो अभी अधिकांश लोग तो आयुर्वेदिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ वैक्सीन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कहते हैं कि आयुर्वेद से हमको ये इसका हल मिल गया है, कोई कहता है होम्योपैथी से हमको ये हल मिल गया है, कोई कहते हैं नेचुरोपैथी से हमको ये हल मिल गया है। तो मान लीजिए अगर ये चार डॉक्टर है, कोई एक एलोपैथ है, एक आयुर्वेदा है, एक नेचुरोपैथ है, एक होम्योपैथ है, और कहते कि नहीं मेरा मार्ग सही है, मैं ठीक करूंगा, और वही एक बेचारा पेशेंट है वो एलोपैथी में एडमिट है, कोई डॉक्टर आता है होम्योपैथ आयुर्वेदा बोलता है उसको खींचो, मैं मेरे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा उसको, और मैं उसको ट्रीटमेंट करूंगा, और दूसरा आता है बोलता है उसको वहां से खींच के लेके जाता है। बहुत लोग बीमार है, तुम्हें लोगों के ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास है उनको तुम ठीक करो, और अगर उनको ठीक कर पाए तो लोग अपने आप आ जाएंगे। तो हमें खुद को डोंट ट्राई टू प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव, कि ये खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ये बताना ये सनातन धर्म का भाव है ही नहीं, कि अपने अपने कार्यों से दिखाओ। डोंट ट्राई टू प्रूव, एक तर्क के स्तर पे प्रस्थापित करना यह बहुत मुश्किल है, और इसमें बहुत समय चला जाता है, और उससे ज्यादा लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होता है, उससे केवल बौद्धिक स्तर पे और अहंकार के स्तर पे हमको लगता है कि मेरा धर्म मेरा मार्ग बहुत बड़ा है। ट्राई टू इम्प्रूव, अगर हमारा जीवन, हमारी शैली, हमारी संस्कृति, संस्कृति मतलब हमारा व्यवहार, उससे अगर हम दिखाते हैं कैसे हमको हमारे कृष्ण भक्ति के कारण हम अच्छे मानव बन गए हैं, अच्छे व्यक्ति बन गए हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है, तो फिर उससे लोग आकर्षित हो जाएंगे।
किसी के पास इतना समय नहीं है कि सारे मार्ग को अन्वेषण करे और उसके बाद में अच्छा यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग इसलिए मैं पालन करूंगा। लोग सब बिजी है, अगर उनको देखता है कि अच्छा ये मार्ग मुझे दिस मेक सेंस द पीपल फॉलोइंग इट आर गुड, ये मेरी बुद्धि को ठीक लगता है और खास करके ये जो इसको पालन जो कर रहे हैं ये लोग अच्छे हैं, जो इसको सिखाते हैं वो अच्छे लोग हैं, तो फिर उससे वो लोग आकर्षित हो जाएंगे। बिफोर यू टेल मी वॉट यू बिलीव शो मी हाउ यू बिहेव। आप क्या विश्वास करते हो, क्यों विश्वास करते हो, वो सब बता सकते हो मुझे, पहले आपका वार्तालाप दिखाओ मुझे। प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि हाउ हम आपके अनुयायी को ऐसे जान सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडीज, मतलब क्या है, उनका सुसंस्कृत व्यवहार होता है। तो भगवदगीता में 12वें अध्याय में जब भगवान अपने भक्तों का गुण करते हैं, खास करके उन भक्तों का जो उनको बहुत प्रिय है, भक्तिमान समय प्रिय होना रहा, तो उसमें ये कहीं नहीं बताते भक्त, भगवान नहीं बताते कि मेरे भक्त बाकी सब आध्यात्मिक मार्गों के लोगों को खंडन करते थे, उनको सबको हरा देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा उल्लेख भी नहीं आता है भगवदगीता में। क्या होता है, भगवान बताते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, कि किसी की ईर्ष्या किए बिना सबके प्रति करुणा करते हैं मेरे भक्त। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, मेरा भक्त किसी के मन को विचलित नहीं करता है, नहीं किसी के कारण भक्त का मन विचलित होता है, वह और सबको स्नेह करके सबको आगे प्रवृत्त करता है। तो ये डोंट ट्राई टू प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा अगला प्रश्न है कि एक साधक प्रभुपाद के अनुयायी होने के नाते, जो जन साधारण अनुयायी है प्रभुपाद के, वो कैसे प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता और इस्कॉन के प्रति अपना जो भी योगदान है वो दे सकते हैं। एक जन साधारण भक्त है वो कैसे प्रभुपाद जी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, कई चीजें हैं। मैं अलाचुआ में था, अमेरिका में, वहाँ पे अलाचुआ जो है अमेरिका में सबसे बड़ा कम्युनिटी है भक्तों का, फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा में है अलाचुआ, तो फ्लोरिडा में अलाचुआ में सब प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्य है, साथ में वहाँ पे रहते हैं वो। तो वहाँ पे एक प्रभुपाद जी के शिष्य है रोचन प्रभु, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था, और वो जो प्रसंग मैंने पढ़ा था उन्होंने खुद भी मुझे बताया वो प्रसंग के बारे में। तो क्या है ये, वे लंदन में थे उस समय जब प्रभुपाद जी वहाँ पे आए थे, और लंदन तभी प्रभुपाद जी का यूरोप का हेडक्वार्टर था वो, तो जर्मनी से, फ्रांस से, आदि जगहों से भक्त आ रहे थे और प्रभुपाद जी को रिपोर्ट दे रहे थे। तो तभी रोचन प्रभु ने कहा, सोचा कि सबके पास कुछ सेवा है प्रभुपाद जी को करने के लिए, तो वो बाद में सब भक्तों ने अपना रिपोर्ट देकर चले गए, तो उन्होंने वो प्रभुपाद जी के पास गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी सबको कुछ सेवा है आपके प्रति, अब मुझे भी आप कुछ सेवा दे दो। तो प्रभुपाद जी उनसे कहा कि आप क्या करना चाहते हो कृष्ण के लिए, तो रोशनपुर ने कहा तो आप जो बोले वही करूंगे मैं। बोले कि नहीं ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो कृष्ण के लिए, तो उन्होंने सोचा कि शायद प्रभुपाद जी मेरी परीक्षा ले रहे, मैं कितना शरणागत हूँ, प्रभुपाद जी आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा वो। प्रभुपाद जी गंभीर हो गए, कहा हमारा तत्वज्ञान समझने का प्रयास करो तुम। बोले कि तुम अन्वेषण करो कि तुम कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हो और फिर वो तुम करो। तो फिर मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, अच्छा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है सोचो तुम। तो फिर वो जो बचपन से उनको क्या था कि क्ले क्ले का आर्ट वर्क बनाने का, क्ले से अलग अलग चीजें बनाने का बहुत अच्छा उनको शौक था। तो उन्होंने कुछ दिन के सोचा, फिर प्रभुपाद जी जब जाने वाले थे वहां से, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा प्रभुपाद जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो लोकल मटेरियल होता है प्लास्टर और पैरिस वगैरह ऐसे चीजों से मैं मृदंग बनाऊंगा, क्योंकि हम भारत से मृदंग लाते हैं, कभी टूट जाता है वो और फिर उसको वापस आने में समय मिलता है, तो मैं यहीं के जो यहाँ पे मिलता है चीजें वहां से बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा कि वो टूटेगा नहीं। प्रभुपाद जी बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा, देखिए आपके जो गुरु भाई है, प्रभुपाद जी बोले वो काफी राजसिक है, तो आप ऐसे मृदंग बनाओ कि कोई नीचे फेंकेगा भी तो वो टूटेगा नहीं। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो गए, फिर उनको उस तरह से एक सेवा मिल गई और अभी जिंदगी भर वो सेवा कर रहे हैं वो। तो ये क्या है कि एक हम कह सकते हैं कृष्ण भावना में सेवा कैसे करें, हम सबके अपने अथॉरिटीज है और
अथॉरिटी जो है हमारे गुरुदेव के प्रतिनिधि है और वो हमको सेवा देते हैं, तो हमें वो करनी चाहिए, वो जरूरी है। पर क्या है, आजकल का समाज ऐसे, आजकल का हमारा समाज ऐसे है कि हम एक जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं, फिर कभी ट्रांसफर हो जाता है कहीं, और फिर कहीं और चले जाएंगे, या शायद हमारे अथॉरिटी जो है वो कहीं और चले जाएंगे, या कुछ बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं। तो वी शुड हैव अथॉरिटी ओबीडियंट स्पिरिचुअलिटी बट नॉट अथॉरिटी डिपेंडेंट स्पिरिचुअलिटी। अथॉरिटी ओबीडियंट स्पिरिचुअलिटी मतलब हमको अगर कोई आदेश मिलता है तो जरूर उसका आदेश पालन करना चाहिए। तो अगर हम किसी एक मंदिर, एक प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जो भी हमको अथॉरिटी सेवा देते हैं वो सेवा करना चाहिए हमको। पर हम ऐसे नहीं है कि अगर मुझे किसी को सेवा देनी है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। वी शुड बी अथॉरिटी ओबीडियंट बट नॉट अथॉरिटी डिपेंडेंट। मेरा अभी प्रभुपाद जी को फॉलोअप करने के लिए नहीं था, भक्तिदास ठाकुर ने कहा कि तुम पाश्चात्य देश में प्रचार करो। ऐसे नहीं कि भक्तिदास ठाकुर हर हफ्ते में प्रभुपाद जी को लेटर लिखे, तुम प्रचार कर रहे हो या नहीं, प्रचार कर रहे हो या नहीं, प्रचार कर रहे हो, नहीं। एक बार आदेश दे दिया, अभी वो कैसे पाश्चात्य देश में जाना है, वहां पे किसको प्रचार करना है, कैसे करना है। प्रभुपाद जी वो अथॉरिटी ओबीडियंट थे पर अथॉरिटी डिपेंडेंट नहीं थे। उनको उनके गुरुदेव जो थे गौड़िया मठ, उससे उनको कुछ भी नहीं मिला, ना कोई अनुयायी मिले, ना कोई पैसा मिला, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिला। प्रभुपाद जी सब कुछ खुद इनको निर्माण करना पड़ा। तो क्या है कि हमें देखना है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें क्या प्रेरणा है, कुछ कुछ सेवा करने की प्रेरणा है, तो हम शुरुआत में भक्ति में जाते हैं तो जो भी सेवा दी जाती है हमें वो सेवा करनी है, और उस तरह से एक तरह से ओबीडियंस जो आदेश पालन करने की जो संस्कृति है, का जो अनुशीलन है, उसको का जो अनुशासन है वो स्वीकार करना है। पर उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें भी देखना है कि हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल है जो चीजें हमें अच्छी लगती है, और दूसरा सर्कल है जो भक्ति की चीजें हैं। तो इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे मिलते हैं, वो क्या चीजें हमें देख सकते हैं, वो देखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम प्रेरणा से भक्ति कर सकते हैं, उससे हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और न केवल तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कोई हमको बोलने के लिए नहीं भी होगा तो भी हम वो सेवा करते रहेंगे, और यह सर्वोत्कृष्ट है। ओके, मेरा एक और प्रश्न है, आप एक इतने फेमस राइटर हैं जो आप इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, दूसरी ओर श्री प्रभुपाद ने भी इतने सारे ग्रंथ लिए हैं, तो आप अपने कुछ अनुभव से बता सकते हैं कि प्रभुपाद ने कितने परिश्रम करके जो ग्रंथ हमें दिए हैं उसका उनके अनुयायियों के लिए कितना महत्व है उनका। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है उनका क्या महत्व है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वह हमारे सारे शिक्षण का एक मूल है, एक फाउंडेशन है कि एक लेखक के रूप में मैं देखता हूं कि एक छोटी सी चीज लिखने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितनी सारी और चीजें कर सकते हैं। मैं रोज गीता डेली लिखता हूं तो एक 300 शब्द का एक लेख होता है, वो 300 शब्दों का, उसको लिखने के लगभग मुझे एक घंटा लग जाता है। और प्रभुपाद जी ने तो हजारों लाखों शब्द लिखे हैं, और अभी वो मैं एक घंटे में लिखता हूँ और जो लोग पढ़ने वाले हैं वो 3 मिनट में पढ़ लेंगे उसको, 3-4 मिनट में पढ़ लेंगे। तो अभी उस एक घंटे में मैं लेक्चर भी दे सकता हूँ और भक्तों का पर अगर मैं चुन रहा हूँ लिखने के लिए, उसके अलग अलग कारण है, क्योंकि जो लोग कई लोग सुनते नहीं है, पढ़ते हैं, बट पॉइंट यह है कि लिखने के लिए बहुत समय लगता है। और प्रभुपाद जी प्रचार कर सकते थे, मैनेजमेंट कर सकते थे, भक्तों को व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग कर सकते थे, पर वो सब छोड़ के प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उन्होंने इतना समय इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण था। और एक तरह से रिस्पेक्ट इज शोन टू समवन बाय रिस्पेक्टिंग व्हाट दे रिस्पेक्ट, कि हम किसी के प्रति आदर कैसे दिखाते हैं, जिन चीजों को उन्होंने आदर दिया है उन चीजों को आदर देकर। कि अगर कोई कहता है कि
मान लीजिए कोई अमेरिका में आता है, कोई अमेरिकन भारतीय में आता है, ये तो अगर वो भारत में, अगर मान लीजिए नेशनल एंथम चल रहा है तो सब लोग खड़े होकर भारत के वो एंथम गा रहे हैं या झंडे को प्रणाम कर रहे हैं, तो अगर वो कहता है मैं भारत का आदर करता हूँ तो उसको भी खड़ा होना चाहिए, उसको भी उसको आदर करना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में गुणगान बहुत कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट क्लास भी हो सकता है, पर एट अ बेसिक लेवल में कह रहा हूँ कि अगर हमें प्रभुपाद जी के प्रति आदर है, उनके प्रति कृतज्ञता है, तो जिन चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया है उन्हें हमें भी महत्व देना चाहिए, और वो महत्व देकर हम उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनके प्रति क्या कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं, और फिर हम उनके करीब जा रहे हैं, और उनका जो संदेश है, मार्गदर्शन है, उससे हम कृष्ण के करीब जा सकते हैं, उससे हम दूसरों को कैसे कृष्ण के करीब ले जाना है वह समझ सकते हैं, और वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बहुत आभारी हैं आपके इतने सुंदर संघ के लिए, इतने सुंदर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, और हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि आगे कभी ऐसा अवसर आए तो आप हमें जरूर अपना संग दीजिएगा। हम सभी भक्त आपका बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हैं आपके संग के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री चैतन्य चरण प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की।